नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जय हो। मैं हूं आपके साथ अरुण आजाद चाहल। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बस चंद महीने बचे हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने वोटरों को साधने में जुटे हुए हैं। आज इंडिया न्यूज़ की टीम सफ़र कर रही है अमरोहा से मुरादाबाद तक, और मुसाफिरों से जानेंगे 2022 में उनका मूड क्या है। भले ही ये रोडवेज बस अमरोहा से मुरादाबाद जा रही है, मगर इसमें बैठे लोग 2022 में किसे लखनऊ भेज रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को, अखिलेश यादव को, प्रियंका गांधी को या मायावती को? तो आइए इस चुनावी सफर को हम शुरू करते हैं। ये न्यूज़ की टीम बस में सवार हो चुकी है और लोगों से बातचीत करेगी 2022 के चुनाव को लेकर क्या माहौल है। अगर अमरोहा की बात की है तो अमरोहा मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद और संभल जनपद से घिरा हुआ है। यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, अमरोहा, धनौरा, नौगांवा सादात और हसनपुर, जिसमें से 3 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। और अमरोहा की पहचान ढोलक की थाप और आम की मिठास से होती है और इसीलिए जो है देश में प्रसिद्ध है। तो तमाम जो मुसाफिर हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के कामकाज को किस प्रकार से देख रहे हैं और 2022 में किसकी सरकार बनवा रहे हैं। क्या नाम आपका? अजय गुप्ता। अजय कुमार जी, 2022 का चुनाव आ रहा है करीब, आपको क्या माहौल लग रहा है किस पार्टी का? माहौल तो सब ठीक है, सरकार भी सब सही है अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं। योगी सरकार के कामकाज को सब अच्छा है, सरकार तो सभी अच्छी है, अपना अपना करने का तरीका अलग अलग है, सब बाकी तो बढ़िया है। तो चुनाव आ रहा है तो ऐसे में क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी की जीत होने वाली है? पार्टी को देखो भी क्या होता है, जब समय आएगा जो समझ में आएगा वही सब लोग करेंगे। तो वो लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या सोचते हैं वो यूपी विधानसभा चुनाव। क्या नाम है आपका? महेश चंद। महेश चंद जी, योगी सरकार के कामकाज को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? सही है भैया, महंगाई बहुत है, पर महंगाई बहुत है। तो सही चल रहा हाँ, पर महंगाई बहुत है। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? अब इस बारे में क्या कह सकते हैं, अभी तो कोई बात नहीं, लंबा टाइम है बस। यहाँ पर महिला यात्री भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे वो किस प्रकार से योगी सरकार के कामकाज को देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? काजल। योगी सरकार के कामकाज को आप किस प्रकार से देख रही हैं महिलाओं के नाम? हम तो महंगाई ज्यादा है और ये सरकार में, और क्या पेट्रोल डीजल सब सर से उतर रहे हैं, महंगाई और सब्जियां वगैरह सब कुछ महंगा है, और क्या है। इस प्रकार से आप महिलाएं, तो महिला सुरक्षा को किस प्रकार से देखती हैं सरकार में, महिलाओं के लिए जो नई सुविधाएं हैं या जो कानून व्यवस्था है उसे किस प्रकार से सही है? क्या कानून व्यवस्था है, लड़कियों के साथ ऐसा थोड़ी ना गलत होना रुक रहा है। इस साल इस सरकार में कितने रेप हुए हैं बताओ, किसको फांसी हुई है इस बार, और कुछ नहीं बस। तो आपने इनकी राय सुनी, वो लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा नाम दीनदयाल शर्मा है। शर्मा जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल? भाजपा आएगी। क्यों आएगी? उनके कामकाज अच्छे हैं, डिसिप्लिन अच्छा है, कामकाज से हाँ, गुंडागर्दी नहीं हो रही। अखिलेश यादव और रालोद का भी गठबंधन हो गया, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कितना प्रभाव पड़ सकता है इस गठबंधन का? नहीं पड़ तो सकता है, लेकिन आएगी भाजपा ही आएगी, भाजपा और लोग मौजूद है उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद। मोहम्मद जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार 2022 के चुनाव का? माहौल क्या, कारोबार तो है नहीं, रोजगार तो है नहीं बिल्कुल भी, क्या करें, और यही है बस, रोजगार मतलब सही करके हो जाए और क्या है, चाहे भाजपा हो चाहे हमारे जन समाजवादी हो, इससे तो पहले ही अच्छा था। अखिलेश यादव और रालोद का गठबंधन हो चुका है, औपचारिक ऐलान बाकी है, तो पश्चिमी यूपी में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और कितना ये गठबंधन कारगर साबित होगा? आपके साथ नहीं आने की भाजपा, वही आएगा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आए, चलो चलो जी। क्या नाम है आप? उमराव सिंह। उमराव सिंह जी, जी। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो सब बढ़िया चल रहा है, हमें तो भाजपा की सरकार बढ़िया लग रही है। और भाजपा की सरकार बढ़िया क्यों लग रही है? बढ़िया भाई, सब काम बढ़िया हो रहे हैं उसके। जी, कौन कौन से काम? सारे काम हो गए, ऑनलाइन सब कर दिया, और
की कोई दिक्कत तो लगना रही, बहुत बढ़िया काम लगता। महंगाई नहीं बढ़ी? महंगाई तो बढ़ी है पर अब इस टाइम तो सही कर रहे हैं, महंगाई तो वही कर रही है खैर, पर कर रहे हैं कंट्रोल ये धीरे धीरे। प्रियंका गांधी भी कल मुरादाबाद में रैली करने गई। जी हाँ जी। तो क्या लग रहा है प्रियंका गांधी का? प्रियंका गांधी का देखो जी, वो तो बदरे अच्छे कर रही है पर सरकार वो सीट निकल जाते भी है, कह नहीं सकते ये कह नहीं सकते जी। कई सालों से ये कांग्रेस तो पीछे ही रह रही है। तो होल आपने लोगों की राय सुनी और यात्री भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहना? जी क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी, क्या गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा से? माहौल बहुत अच्छा जी, स्टैंड बेस्ट, अखिलेश इज द बेस्ट, समाजवादी सरकार बनेगी, 350 पार जाएगी। बढ़िया पढ़े लिखे हैं अखिलेश जी, विकास भी किया उन्होंने, अखिलेश जी के मुकाबले जो अब विकास हुआ है बहुत कम हुआ है। ठीक है, योगी सरकार के काम काज को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? योगी सरकार का जो कामकाज रहा, वैसे तो देखिए जो काल रहा, कोरोना काल रहा है, संकट का रहा है, मगर फिर भी कामकाज कोई बढ़िया नहीं हुआ। ठीक है, आप कहें भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार अभी चरम पे है, गुंडागर्दी भी चरम पे है, काफ़ी कुछ कंट्रोल करने की कोशिश किया मगर कंट्रोल नहीं कर पाया, अखिलेश सरकार ने काफ़ी कुछ कंट्रोल किया था। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी यूपी है और हम यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, तो पश्चिमी यूपी में जिस प्रकार से रालोद और सपा की मजबूती दिखाई देती है और गठबंधन भी हो चुका है रालोद और सपा का, तो ये गठबंधन कितना कारगर साबित होगा? ये गठबंधन 100% कारगर साबित होगा। सरकार इस बार समाजवादी की बनेगी और जोर तोर से अखिलेश जी लगे हुए हैं वो गठबंधन को मजबूत और करने में, और वो गठबंधन मजबूत होगा। जी क्या नाम है आपका? योगेश। योगेश जी, 2022 का चुनाव करीब आ रहा है। हाँ जी। क्या माहौल लग रहा है, किस प्रकार से देख रहे हैं? जी हम तो भाजपा वाले हैं, शुरू से भाजपा को सपोर्ट किया है, हमें तो लग रहा है योगी सरकार ही है। योगी सरकार। हाँ जी। ये जो गठबंधन हो रहे हैं और तमाम जो कांग्रेस की रैली हैं या असदुद्दीन ओवैसी भी जो है अब चुनावी मैदान में आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी भी आ रही है, तो योगी सरकार की आम आदमी पार्टी का तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यूपी में, वो तो दिल्ली तक ही सीमित रहेगी, और रही गठबंधन की, गठबंधन तो होते रहते हैं लेकिन उससे भाजपा सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार के कामकाज को कैसे देख रहे हैं आप? कामकाज बढ़िया रहा है, कोरोना काल आया, कोरोना काल में अगर मतलब इसकी जगह कांग्रेस होती या अखिलेश की सरकार होती शायद वो इतना कंट्रोल नहीं कर पाती। तो साहब के हिसाब से काम सही हुआ? काम सही हुआ। और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है? आचार्य। आचार्य विकास। आचार्य जी, किस प्रकार से देख रहे हैं योगी सरकार के काम काज को, क्या माहौल है? बढ़िया है, अच्छा है माहौल, योगी जी आ रहे हैं। बिल्कुल। साधु संतों के लिए इस सरकार में जिसमें किस प्रकार देखते हैं कई साधु संतों की? अब जो हत्याएं हुई हैं पहले भी होती रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, और ये तो जो अपराधी तत्व हैं वो हमेशा रहते हैं, हर सरकार में रहते हैं, तो कुछ चीज़ें मोबाइल लॉन्चिंग की जाती हैं वो की गई हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, योगी जी हैं सदाबहार हैं। लोग तो आप वो लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है? क्या नाम आपका? 2022 का चुनाव आ रहा है तो ऐसे में क्या माहौल लग रहा है, योगी सरकार के कामकाज से आप कितनी संतुष्ट हैं? सर हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं। हाँ। तो उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, अब चुनाव आ रहे हैं तब क्या लग रहा है? हाँ मतलब अच्छे लग रहा है, सरकार के काम से खुश हैं। तो यहाँ पर और यात्री भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, उनका क्या कुछ कहना है? 2022 का चुनाव आ रहा है तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? योगी का ही लग रहा है। योगी का लग रहा है। हम तो नहीं वोट देंगे। सरकार के कामकाज को आप किस प्रकार देखते हैं, क्या लगता है महिलाओं के लिए सरकार में जो सुरक्षा व्यवस्था है बहुत सही है?
योगी मोदी के, उसमें महिलाओं को बहुत सुरक्षा मिली है, बहुत काम हुआ है जी। और यात्री भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है सरकार के कामकाज को, किस प्रकार से वो देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? तो इस बस के जो कंडक्टर हैं उनसे बात करते हैं, भले ही ये बस जो है मुरादाबाद जा रही है, लखनऊ यहाँ की जनता किसे भेज रही है। सर विनीत तोमर नाम है मेरा। तोमर साहब, क्या लग रहा है माहौल इस बार? अच्छा, योगी सरकार, फिर एक बार योगी सरकार, बस सबका सबका विकास है, सबके साथ सबका विकास, मोदी जी का नारा है, इसलिए योगी सरकार, एक बार फिर से योगी सरकार। क्योंकि आप रोडे बस के कर्मचारी हैं, तो ऐसे में 5 सालों के अंदर या पिछली सरकारों के मुकाबले आपने यूपी परिवहन में कितना बदलाव देखा है, और इन बसों की क्या कितनी हालत में जो सुधार आया है? बसों की हालत तो ठीक है, फिर भी जैसा है कि हमारे डिब्बों में गाड़ी नहीं है इस बार, और डिब्बों के मुकाबले ठीक है गाड़ी, गाड़ियों का वर्तन सही है। तो सरकार के कामकाज, हाँ ठीक है सरकार काम। हाँ, और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहना जी? क्या नाम है आपका? अरे जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जी, 2022 का चुनाव आ रहा है, और योगी सरकार के कामकाज को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, और किसका माहौल लग रहा है इस बार? माहौल इस बार देखो, योगी सरकार का तो इस बार तो मुझे तो मुश्किल लगा, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई, सिलेंडर महंगा हो गया, और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है ना, क्योंकि मुझे तो लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जो बहन जी हैं वो अच्छा काम करती हैं, उनके टाइम पे शासन प्रशासन और गरीबों मकान सब चीज वो कहती नहीं है, करती दिखाती है, दिखाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ही आना चाहिए, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। प्रियंका गांधी भी कल मुरादाबाद में आई थी, रैली की है। तो कांग्रेस की सरकार कितने साल रही, कांग्रेस ने जो बातें अब कर रहे हैं ये पहले भी तो कर सकते थे काम, है ना, कि स्कूटी देंगे ये देंगे, ये काम अगर पहले ही करते तो कांग्रेस की सरकार नहीं जाती ना, बहन जी की सरकार थी ना, बसपा की उसकी आती बीजेपी की सरकार। अगर इंसान अपना काम बाखूबी निभाए तो इन्हें ना वोट मांगने जरूरत पड़ेगी किसी को भी, चाहे कोई भी पार्टी हो, है ना। तो मैं कह रहा हूँ जो भी अब बीजेपी अपना सही काम करती तो इन्हें झूठे वादे करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, बाकी जनता खुद देखेगी, सबकी अपनी अपनी राह है। जी, आपका नाम क्या है? सुभाष। सुभाष जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? माहौल ठीक लग रहा है, ठीक माहौल लग रहा है जी। योगी सरकार के कामकाज को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? सर, भैया जी ने जो बताई मुझे इनकी बात सही लगी है, तो इन्हीं की बात को आगे बढ़ा दीजिएगा। थैंक यू। फिर भी आप अपना विचार, वोट तो आप अपनी मर्जी से डालेंगे ना? बात बिल्कुल सही है, देखिए कुछ एंगल में योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे गुंडागर्दी खत्म की है, दहशतगर्दी गुंडागर्दी, लेकिन महंगाई भी बढ़ी है ना, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट, रसोई गैस, ये सब चीज़ें, मतलब जो चीज़ें नॉर्मल उसमें थी, सामान्य हर आदमी के एक्सेस में थी, वो सब उनके उससे बाहर निकल गई। आप मतलब ये, अब दूसरा ये है कि देखिए योगी सरकार जो है उसका रिफ्लेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सारे देश को बेचती जा रही है। भाई जो गवर्नमेंट, कांग्रेस ने जो मेहनत करके टाटा से निकाली एयरलाइंस, आज उसको उन्होंने वापस फिर भेज दिया। BHEL है, जितनी भी हमारे मतलब कि इतनी सरकारी संस्थाएं हैं जो जिनसे हमारे देश को रोजगार मिला, जो आज हम मीडिया मध्यम वर्ग की बात करते हैं केवल इसीलिए, तो क्योंकि जो कांग्रेस ने मेहनत करी, वो उस कांग्रेस की मेहनत की वजह से एक हमारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ी हुई, आज उसको वो औने पौने दाम में बेचती जा रही है, हर बार आकर के ऐसे ही करते हैं, ये बहुत गलत बात है, इसका हम सबको विरोध करना चाहिए जी। आपका क्या नाम है? ये विशाल चौहान नाम है मेरा। माहौल ठीक है जी, ठीक है माहौल। बाबा साहब की वजह से लग रहा है योगी सरकार के कामकाज को किस तरह के देख रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी, सही काम कर रहे हैं। और देश तो सबका है, और रालोद का जिस प्रकार से गठबंधन सपा रालोद का, इस गठबंधन को आप कैसे देख रहे हैं? बाबा साहब ने किया है हर आदमी इस बारे में तो इंडियन न्यूज़ की चुनावी यात्रा यहीं समाप्त होती है। यहाँ पे आपने अलग अलग मुसाफिरों की राय जानी, कुछ मुसाफिर महंगाई को लेकर सरकार से नाखुश हैं, और कुछ लोग भाजपा की जय हो कर रहे हैं। अमरोहा से अरुण चहल, इंडियन न्यूज़।